हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ यार। थैंक यू सो मच, तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो वाकई लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक करो और लास्ट तक बने रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ। सबके साथ करूँगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और एक दो फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ वो करूँगी प्रैंक। तो जुड़े रहो मेरे साथ, अभी हम सेटअप वो सेटअप। तो गाइज, मैंने एक नई सिम लगी है और मैं वापस सब पे कॉल करूंगी, ठीक है। आज है ये 4 तारीख, कल जो है जियो की सिम के, तुम्हें पता होगा कि एक्स्ट्रा पेमेंट है गई है। पहले मैं नॉलेज ले लूँ कितने कितने हुए हैं। शायद वो 249 वाला तो 299 में होगा, तो मैं वही हिसाब से बताऊंगी कि इतनी पेमेंट हो रही है। बाकी अब देखिए, मैं सबके साथ प्रैंक करूंगी। पहले मैं एक दोस्त के साथ करेंगे, एक के सबसे पहले भाई नंबर का ही ना पता हो, सच में का ही नंबर ना पता हो, उठा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम भी खुश मैं भी खुश। एक प्रैंक करेंगे बहुत सुंदर सा, सुनते नहीं है ना पहचान ले आवाज, तो कोई दिक्कत ही ना। आवाज जा रही है? नेटवर्क ही ना आ रहेगा, दोबारा करते काट के। आई होप अच्छा होगा सब, मेरा प्रैंक सक्सेसफुल हुआ तो अच्छा रहेगा, नहीं हुआ तो हम डालेंगे ही नहीं काफी सारी वीडियोस तो ऐसी हो है मेरी। अभी दूसरे नंबर पे कॉल करने वाले हैं हम, ठीक है। एक नंबर लगाना है कंफर्म है, मतलब कई और पे करेंगे क्योंकि हमारे फोन में तो उनकी कमी ना, तुम पता ही है कहा कह दें। अरे यार, वो तो नंबर ही ना याद, काय काय के नाम तो सी है मेरे फोन में। हाँ चलो करेंगे बहुत अच्छा प्रिंक करने वाले हैं, अगर आवाज पहचान ली तो कॉल काट देंगे संगी संग वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, बुद्धि भट्ट पड़ी है, रुक जाओ। ना उठा रहा यार। चलो तुम्हें एक चीज तो पता चल गई कि मेरे घर की मेरी कोई रिश्तेदार, कोई भी दोस्त मेरी कोई कदर ना करे। छोड़ो यार चीज है, अब कई और पे करेंगे हम। अपनी जीजी पे करेंगे, मतलब जीजी ताऊजी की लड़की, ठीक है। उनकी आवाज पहचान में आएगी तो ठीक है, नहीं तो पर यार नंबर थे, मैंने सुबह कॉल करी यार उन पे, पता होना ना पहचानी तो बढ़िया। गुड इवनिंग मैम, नीसू जी से बात हो रही है मेरी? हेलो, गुड इवनिंग मैम, नीसू जी से बात हो रही है मेरी? नहीं मैम, मैं बता दूं आपको, आपकी जियो की सिम है और कल से जियो की सिम में रिचार्ज जो है वो चेंजेस हुए हैं उन रिचार्ज में। अच्छा जी, जी मैम, तो मैं आप पागल बना ला। मैम मैं पागल नहीं तो बना रही हूँ, पहली बात तो जियो की सिम ही नहीं है जी मैम कैसा बोल रही है जी जी ठीक है बाय मैं तो वीडियो बना रही, तुमने तो पहली पोल खोल दी यार बाय बेइज्जती है गई, पागल मत बना दो ऐसे बोलते हैं मेरे घर के, मेरे घर के आगे मेरी कदर नहीं है, आप मान रहे हो यार, घर के इनके आगे काऊ की कदर ना हो भैया। चलो छोड़ो, हम आगे चलते हैं, किसी और पे फोन करते हैं। तीन कॉल कर ली, तीन में तो एक उठी है, पता चल गई। यार मैंने कल कॉल करी यार नंबर थे, और वो इंसान इतनी खुश हुई जो कह रही यार मेरी सच में वो आवाज पहचान में आई तेरी, कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है हमारे साथ। चल और कहीं पे करेंगे सही बात है, घर के क्यों ना कर रहे, घर के बेइज्जती कर देंगे खाम खा। दोस्तन पे करूंगी, दोस्त दोस्त समझ रहे हो, दोस्त पता ना कि अपनी आवाज वीडियो में रखन देगी जब ना रखन देगी। पर गुड इवनिंग मैम, मेरी सिमी जी से बात हो रही है? हो गई है।
जी मैम, मैं आपको बता दूं, आपकी सिम जो है वो जियो की है और कल 3 जुलाई से आपके जियो की सिम में रिचार्ज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैम रिचार्ज एक्सपेंसिव हो गए हैं, आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना होगा जैसा कि हमें जियो सेंटर की तरफ से उपलब्ध किया गया है। हमको नॉलेज देने के लिए बताया गया है मैम, आपको 25%। तो दोस्तों पता ऐसा हुआ यार, फोन बंद है गो, मतलब हम चार्जिंग नहीं, वो इतनी नॉलेज नहीं, तो सुनो तो सही, अब वो चार्जिंग नहीं, फोन अपने आप बंद है गो, और मैंने 3 कॉल करी, सच में बहुत ही टॉप रिएक्शन हो, सबको बहुत अच्छा हो, यार फ्रेंड्स पर ही करी, सब बहुत दुखी है हुई मैं जब देखो, मैं कह रही यार हुआ ना, वो जब पलटा तो देखी 1% बैटरी है, अली बंद है वो कैमरा बंद है वो है, तो बहुत गुस्सा आई मुझे। देख मैंने कौन कौन पे करी, मोनिका शर्मा इन्फ्लुएंसर, मोनिका मेरी फ्रेंड, और सिम्मी, शायद सिम्मी तक रिकॉर्ड है पाए हो, वास्ते पहले 2 जो रह गई उनको ना हुआ, अफसोस, और उनको बहुत ही प्यारा रिएक्शन हो वास्तव में। कोई नहीं, अभी हम किसी और पे करेंगे क्योंकि हमारे पास कमी नहीं है फ्रेंड्स की। चलो एक और है, ये आते तो मतलब ये समझ ले बहुत कभी बात हुई होंगी, वो भी इंस्टाग्राम पे, अभी देखते हैं क्या बात होती है। किरण, सब साथ पढ़िए मेरे, आवाज आ रही है ना, उठा उठा उठा, खुंदा कावे तो कोई उठावे ना, बताइए भावना शर्मा की, सॉरी भावना वशिष्ठ की कॉल ना उठा रहा कोई, पप ना को कॉल करे मैं, तू तो आवे जा दोबारा कर, का पता दोबारा में उठा ले, उठा भाई बहुत लंबी आ जाएगी मेरी वीडियो, जल्दी जल्दी बात करो तुम लोग, एक तो वो बात ना पता यार, मैं कहा कह नहीं, मैं कुछ भी बक रही हूँ, बोला गया ना उठावेगी, अननोन नंबर है ना एक, तो वैसे ना उठाएंगे बालक। चलिए ना उठा रहे, कई औरतें करो, बच्चे तो मेरे पास बहुत सारे थे, कौन पे करूँ, वही को नाम आएगा जब मैंने कल कॉल करी, बहुत तगड़ो रिएक्शन हो भाई वाको, तो बहुत ही तगड़ो फायर एकदम। कौन पे करूं, खुंदक आ रही है, गुस्सा आ रही है, कौन पे करूं मैं, मेरे पास काय को नंबर ना है, कोई फ्रेंड ही ना है, अच्छा चल इन पे करूं। पकाऊंगी बिना बात के, बाद में बताऊंगी इनको नाम, अगर इनने कॉल उठा ली तो बताऊंगी, ना बताऊंगी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें, उसके लिए उठाएगी। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कविता जी से बात हो रही है मेरी? हाँ, कविता से बात कर रही हूँ। जी मैम, आपके जियो की सिम है? जी बिल्कुल। जी मैम, मैं आपको बता दूं, कल 3 जुलाई से जियो की सिम में परिवर्तन आए हैं रिचार्ज में, जैसा कि आपको प्रोवाइड किया गया होगा हमारे जियो स्टोर की तरफ से। ये नंबर तो मेरा ऐसे रखा है। आपके पास जो भी जियो की सिम हो, हमें जियो की तरफ से नॉलेज देने के लिए आदेश मिला है, तो हम सबको बता रहे हैं मैम। जो कोई नहीं मैम, वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ मेरी जियो की सिम टूट रही है, आपको ये नंबर कैसे मिला? जी मैम, हमें जो भी हमारे पास नंबर्स की लिस्ट आई है, हम उसके अकॉर्डिंग सभी पर कॉल करके प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके अलावा 1 लाख आदमियों की कॉल आई है, लिस्ट आई है हमारे पास, तो अभी हम कल से यही कॉल करने लग रहे हैं, मे बी बाई मिस्टेक आपका नंबर आ गया होगा। फिर तो मैम ये इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए कि इंक्रीज होने के बाद क्यों बताया जा रहा है? मैम ये कल से ही कर रहे हैं हम, जो नंबर रह गए थे उनको आज किया जा रहा है, माफी चाहूंगी असुविधा के लिए, जो भी असुविधा हुई है निश्चिंत रहिएगा। जी मैम, थैंक यू। कविता जी जी, ये कविता जी जी मतलब जी जी के साथ डी फार्मा करो इनने। मैं सब ऐसी पका रही हूँ यार, मेरे पास इतना टाइम है बहुत ज्यादा।
चलो ठीक है, थैंक यू दीदी, यार बहुत प्यारा रिएक्शन हो बस।